नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपको बोर्ड पेपर देना फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट, उन सभी के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे जल उत्थापक यंत्र, या जिसे बोला जाता है वाटर लिफ्ट, या पानी उठाने वाले यंत्र। इसके पहले हमने आप सबको जूता या भू परिष्करण के बारे में और काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर उपलब्ध करा दिए। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे, वो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर या सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर की जो भी आप लेक्चर देखना चाहते हैं, वहाँ पर आप सभी लोग उपलब्ध है। या सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट, उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री, वो भी हमारे काफ़ी वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है। तो वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ये यूपी बोर्ड पेपर में 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए, विकेंद्रीय पंप अधिकतम कितनी मीटर नीचे से पानी उठा सकता है, यानी जो विकेंद्रीय पंप होता है वो अधिकतम कितनी गहराई से पानी उठा सकता है। तो इसमें जो देखिए जो आंसर हो जाएगा 7.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर, या लगभग 7 से 8 मीटर। यानी विकेंद्रीय पंप जो होता है वो कितने मीटर गहराई से पानी उठा सकता है? तो 7 से 8 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 से 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ओपन इंपेलर, खुले इंपेलर का चित्र बनाइए। अगर ये बोर्ड पेपर में पूछ लेता तो अब देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपन इंपेलर का चित्र बनाइए। अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोग फिगर अच्छे से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बना देंगे तो आप सबको 1 से 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए खुला इंपेलर हो जाएगा, अर्ध खुला इंपेलर और बंद इंपेलर, ये तीनों प्रकार के। लेकिन तो इसमें कौन सा बनाना? खुले इंपेलर का आप सभी को चित्र बनाना, तो केवल खुले इंपेलर का ही चित्र बनाना है। अब अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, प्राइमिंग क्या है। अब प्राइमिंग क्या, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अगर देखेंगे, पंप चालू करने से पहले पंप की अवारक या कैसिंग को पानी से भरा जाता है, जिससे अवारक पूर्ण रूप से वायु मतलब बाहर निकल जाता है। वायु एक प्राइमिंग टोटी के द्वारा बाहर निकलता है, वायु जो होता है एक प्राइमिंग टोटी के द्वारा बाहर निकलता है। इस टोटी को वायु निकाल कर बंद कर देते हैं, जिससे वायु दोबारा अवारक में प्रवेश नहीं करता। अब देखिए एक शॉर्टकट भाषा में भी लिख सकते हैं कि पंप से वायु बाहर निकालने की क्रिया को प्राइमिंग कहा जाता है। क्या? पंप से वायु बाहर निकालने की क्रिया को प्राइमिंग कहा जाती है। ये क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम में प्लस बोर्ड पेपर में भी कई बार पूछा गया। तो पंप से वायु बाहर निकालने की क्रिया को प्राइमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, 0.2 हेक्टेयर सेंटीमीटर 2 हेक्टेयर लीटर पानी होता है, यानी 0.2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है। अगर 0.2 हेक्टेयर देखा जाए उसमें कितने लीटर पानी आ जाएंगे, तो लगभग 20,000 लीटर हो जाएंगे। कितने? 20,000 लीटर। अगर देखा जाता है एक हेक्टेयर में, अगर 1 सेंटीमीटर पानी भरा जाता तो 1 लाख लीटर पानी, एक हेक्टेयर में 2 सेंटीमीटर पानी भरा जाता तो 2 लाख लीटर पानी। तो यहाँ पर क्या लिखा, 0.2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी, तो 20,000 लीटर। 2017 में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि एक हेक्टेयर सेंटीमीटर मीटर में कितने लीटर पानी होता है, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है। तो एक हेक्टेयर में अगर 1 सेंटीमीटर पानी भरा, एक हेक्टेयर खेत है, अगर उसमें 1 सेंटीमीटर पानी भरा तो समझ लिए 1 लाख लीटर पानी होता है। कितना? 1 लाख लीटर। अगर एक हेक्टेयर फील्ड है उसमें 5 सेंटीमीटर पानी भरा तो उसमें 5 लाख हो जाएगा। एक हेक्टेयर अगर फील्ड है उसमें 2 सेंटीमीटर पानी भरा है तो 2 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 लाख। तो एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होते हैं, तो 1 लाख हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है, देखिए खेत में सिंचाई के पानी की नाप की इकाई लिखिए। खेत में सिंचाई के पानी की नाप की इकाई जो होता है सेंटीमीटर में होता है। क्या होता है? हेक्टेयर सेंटीमीटर में। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सभी देखिए, यहाँ से जरूर इस बार बोर्ड पेपर या कम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। खेत में सिंचाई के पानी की नाप की इकाई लिखिए। तो खेत में सिंचाई के पानी की नाप की इकाई हेक्टेयर सेंटीमीटर में होता है। अब एक हेक्टेयर बराबर, एक हेक्टेयर इक्वल टू सेंटीमीटर, मतलब एक हेक्टेयर में अगर 1 सेंटीमीटर पानी, तो कितने लीटर पानी आ जाएगा? 1 लाख लीटर पानी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिंगल स्टेज पंप में इंपेलर की संख्या कितनी होती है। सिंगल स्टेज पंप में इंपेलर की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ये भी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने घन मीटर पानी होता है। तो एक हेक्टेयर सेंटीमीटर अगर घन मीटर की बात किया जाए, अगर एक हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर, यहाँ डेढ़ पूछा गया, 1.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने घन मीटर। तो 1.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर में
यानी 150 घन मीटर पानी होगा। अगर वही पूछ लेता 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने घन मीटर, तो 100 घन मीटर। लेकिन तो अगर पूछ लेगा 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने घन मीटर, 200 घन मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ पूछा 1.5 मतलब 1.5 हेक्टेयर मतलब 1.5 हेक्टेयर में कितने घन मीटर पानी, तो 1.5 हेक्टेयर में 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 हेक्टेयर। अगर 3 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने घन मीटर, तो 300 घन मीटर हो जाएगा। कितना 300 घन मीटर हो जाए। उसी के अकॉर्डिंग आप सबको यहाँ पर हम बता दें। अब देखिए सक्शन लिफ्ट से आप क्या समझते हैं। सक्शन लिफ्ट पंप जितनी गहराई से पानी उठाता है वह गहराई सक्शन लिफ्ट कहलाता है। मतलब जो हमारा पंप होता है वो जितनी गहराई से पानी उठाता है उसे हम बोलते हैं सक्शन लिफ्ट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पंप के केंद्र बिंदु से भूमि में स्थित पानी के तल के एक ओर होता है। तो ये आप सबको थोड़ा कठिन शब्द हो जाएगा, आप इतना ध्यान रखना कि पंप जितनी गहराई से पानी उठाता उसे हम बोलते हैं सक्शन लिफ्ट कहा जाता है। अब देखिए वाटर डिस्चार्ज क्या होता है। वाटर डिस्चार्ज की माप की इकाई लिखिए। तो जल निस्सरण या वाटर डिस्चार्ज की माप की इकाई निम्नलिखित है, लीटर और घन मीटर दोनों होता है। तो यहाँ पर आप दोनों लिख सकते हैं कि वाटर डिस्चार्ज की इकाई क्या होता है, लीटर और घन मीटर होता है। क्या होता है, लीटर भी रहेगा और घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी स्टोरेज पंप में अब देखिए अभी हमने बताया सिंगल स्टोरेज पंप में इंपेलर की संख्या एक, लेकिन तो मल्टी स्टोरेज पंप में यहाँ पूछ लिया इंपेलर की संख्या कितनी होती है, तो 2 या 2 से अधिक होता है। कितना होता है, 2 या 2 से अधिक होता है, यानी मल्टी स्टोरेज पंप में इंपेलर की संख्या 2 या 2 से अधिक होता है। अगला 11 नंबर आ जाता हमारा लास्ट क्वेश्चन, 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने घन मीटर। देखिए अभी आप सबको हमने समझाया था एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में 100 घन मीटर, 1.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 150 घन मीटर, 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 2 घन मीटर 200 घन मीटर, 2.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 250 घन मीटर। अब यहाँ पूछा 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने घन मीटर होते, तो 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 200 घन मीटर होते। कितने, 200। जितना रहेगा अगर 1.5 रहेगा तो 150, अगर 2 रहेगा तो 200, अगर 2.5 रहेगा तो 250 घन मीटर हो जाएगा। ठीक, ये आप कॉमन सी भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण जो हमारे कंपिटेटिव एग्जाम और बोर्ड पेपर में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।